मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत वर्ष के आदर्श हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह का प्रसंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। विवाह पंचमी, जिसे माता जानकी और प्रभु श्री राम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत में कई स्थानों पर विवाह पंचमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पर मिथिलांचल और नेपाल में इस पर्व को बहुत उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ विवाह रचा था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम और माता सीता विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार हैं। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन का यापन करने के लिए मानव अवतार लिया था। भगवान राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। माता सीता को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार माता सीता ने भगवान शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी भगवान शिव का धनुष उठाएगा, माता सीता का विवाह उसी से होगा। माता सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गईं। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी हिस्सा लिया और वहां पर और भी राजकुमार मौजूद थे। कोई भी भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा, क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस प्रकार माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। विवाह पंचमी के कई महत्व हैं। इस दिन सच्चे मन से भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विवाह में हो रही देरी के लिए भी इस दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। हमें इस दिन रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। बालकंड में भगवान राम और माता सीता विवाह का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति की स्थापना करके भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। भारतीय समाज में भगवान राम और माता सीता को आदर्श दंपति का उदाहरण माना जाता है। विवाह पंचमी के इस पावन उत्सव के सफर को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो।